आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आचार संहिता लगते ही सपा में बैठकों का दौर शुरू। आज राजधानी लखनऊ में सपा परिवार की अहम बैठक, अखिलेश शिवपाल यादव की अहम बैठक। मुलायम सिंह और राम गोपाल यादव भी होंगे शामिल। दोनों नेताओं की बैठक को लेकर फोन पर हुई बात। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आचार संहिता लगते ही सपा में बैठकों का दौर शुरू। राजधानी में सपा परिवार की अहम बैठक, बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश शिवपाल यादव की आज अहम बैठक, मुलायम सिंह और राम गोपाल यादव भी होंगे शामिल। बड़ी खबर सामने आ रही है, दोनों नेताओं की बैठक को लेकर फोन पर हुई वार्ता। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आचार संहिता लगते ही सपा में बैठकों का दौर शुरू। आज राजधानी में सपा परिवार की अहम बैठक, अखिलेश शिवपाल यादव की आज अहम बैठक, मुलायम सिंह और राम गोपाल यादव की अहम बैठक, दोनों नेताओं की बैठक को लेकर फोन पर हुई वार्ता। बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आचार संहिता लग चुकी है लखनऊ से, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आचार संहिता लगते ही सपा में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। आज राजधानी में सपा परिवार की अहम बैठक होगी। इस खबर पर मैं सपा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, क्या कुछ जानकारी है, किन मुद्दों पर हो सकती है ये बैठक? जी, आचार संहिता और चुनाव की घोषणा होने के बाद ही जो सपा परिवार था उसमें आज एक बैठक रखी गई है जो कि लखनऊ में होगी। इस बैठक में राम गोपाल, जो अखिलेश के बड़े चाचा राम गोपाल है, और मुलायम सिंह और शिवपाल यादव समेत इनके आदित्य जो शिवपाल के पुत्र हैं और घर के जो समाजवादी पर खेमा है, कुनबा है, वो घर के सभी लोग मौजूद होंगे। इसमें इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी कि आगामी चुनाव को लेकर कितना, मतलब ये लोग एक होकर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि पिछले एक लोकसभा और एक विधानसभा चुनाव को जो समाजवादी परिवार है, जो जिसपे समाजवादी परिवार कहा जाता है जिसको, वो दो चुनाव को लड़ चुका है, उसका खामियाजा भुगत चुका है। तो इन सब चीजों को देखते हुए इस बार पहले से मीटिंग की जा रही है। जैसे अभी दो दिन पहले जो आपके जयंत है, जो इस जाट लैंड के, मतलब इस बार के बादशाह कहे जा रहे हैं, उनके साथ भी अखिलेश मिले हैं और सभी दलों के साथ मिले हैं। अब आखिरी बैठक परिवार के साथ की जा रही है। ये माना जा रहा है कि आज की बैठक जो होगी ये टिकटों को बंटवारों को लेकर होगी, शिवपाल और अखिलेश के बीच जो एक आपस में गठबंधन हुआ है, विलय कह सकते हैं बसपा की, तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज सीटों पर चर्चा होगी। इस परिवार के लोग सीटों को चुनेंगे और अपनी सलाह मशवरा देंगे कि आगामी चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में मैं संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो आज सपा की अहम बैठक होनी है और ये सपा के परिवार में अहम बैठक होनी है ताकि सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सके। सीट शेयरिंग को लेकर अहम बैठक होगी आज। आचार संहिता होते ही प्रशासन सख्त, यूपी सरकार का आदेश लिया गया वापस। पीएमसीएम की फोटो खाद्य सामग्री से हटेगी, सरकार की फोटो और टैगलाइन भी सामान से हटेगी। सोच ईमानदार काम दमदार अब नहीं लिखा रहेगा। आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग ने ये अहम फैसला लिया है। आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। यूपी सरकार का आदेश लिया गया वापस, बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएमसीएम की फोटो खाद्य सामग्री से हटेगी, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े हैं। विभांशु, जिस तरह से पीएमसीएम की फोटो हर जगह से हटाई जा रही, खाद्य सामग्री से हटाई जा रही है, जो पोस्टर बैनर लगे थे वहां से हटाई जा रही है, तो क्या कहेंगे, अब ये कितना जरूरी है फोटो हटाना और प्रचार प्रसार को रोकना आचार संहिता के बाद? जी, आचार संहिता लगते ही जो भी प्रचार के माध्यम है, जो जो एक आचार संहिता के पहले रहते हैं, उन सब पे इस तरह के काम किए जाते हैं। वही अगर जो कोई ऐसी प्रतिभा और इस तरह की चीजें भी की जाती है, उसको ढका जाता है जिससे वोटों का पोलराइजेशन ना हो सके। और जब आचार संहिता लग जाता है तो जो चुनाव आयोग है वो पूरा फुल एक्टिव मोड में आ जाता है और वो भरसक पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने का प्रयास करता है। इसी कड़ी में
आचार संहिता लगते ही जो सरकारी गल्ले की दुकान है, जो कोटेदार है, जो राशन बांटते हैं, तो जो उत्तर प्रदेश के अंदर में राशन बांटे जा रहे हैं, जैसे सोयाबीन और आपके रिफाइंड या जो भी खाद्य सामग्री दी जा रहा है, उसमें इस बार इस सरकार ने प्रॉपर उसकी पैकेजिंग की जा रही है। पैकेजिंग के बाद उस पैकेजिंग के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो लगी है, जिसको संज्ञान में लेते हुए कि यहाँ से ये भी एक प्रचार सामग्री है। इन सब चीजों को देखते हुए चुनाव आयोग ने उन सभी खाद्य सामग्रियों का पैकेजिंग बदलने को कहा है और इन सबको जो भी चीजें, जो भी पैकेजिंग है, उनको वापस करने को कहा है। इसी कड़ी में कल लखनऊ के अंदर में या प्रदेश भर के अंदर में जो भी म्युनिसिपैलिटी है या फिर नगर निगम है या महानगर के जो भी प्रणाली से वहां काम होते हैं, तो वो लोग कल पोस्टर बैनर हटा रहे थे। जी विभाषु, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन इस बार सख्त नजर आ रहा है, वो चाहे कोरोना को लेकर हो या फिर जो है नियम कानून पालन कराने को लेकर, अगर कहीं चूक पाई जाती है तो किस तरह से एक्शन लेगा इलेक्शन कमीशन? जी, इलेक्शन कमीशन इन सब चीजों को लेकर जो प्रत्याशी होते हैं, जो नॉमिनेशन करते हैं, पर्चा दाखिला होता है उनका, इसको रद्द कर दिया जाता है, वरना उनके ऊपर हर्जाना लगाया जाता है। इन सब चीजों को देखते हुए चुनाव आयोग की एक मॉनिटरिंग टीम बनाई जाती है जो चुनाव से जुड़े सभी चीजों को देखती है। आपको बता दें कि पिछली बार एक प्रत्याशी को लड़ने के लिए 28 लाख स्वीकृति किया गया था और अब उसको बढ़ा के 40 लाख कर दिया गया है। तो इन सब पैसों से लेकर और जितनी गाड़ियां एक प्रत्याशी के साथ घूमती है, इन सब चीजों को चुनाव आयोग की विशेष टुकड़ियां अलग तरह से देखेंगी और भरसक चुनाव आयोग कोशिश करेगा कि चुनाव भयमुक्त हो, चुनाव में किसी का पोलराइजेशन ना हो सके, चुनाव में किसी को लालच देके वोट लेने का प्रयास ना किया जा सके। इन सब चीजों के साथ चुनाव आयोग तैयार हो चुका है। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इन सब कामों को, जब तक चुनाव ना हो जाता है, मतलब कि फरवरी में जब चुनाव की आखिरी डेट होती है, तब तक चुनाव आयोग कितनी तैयारी के साथ और कितना पारदर्शिता के साथ काम को करता है। क्योंकि हर बार होता ऐसा है कि जो पक्ष का आदमी है उसके साथ चुनाव आयोग का हमेशा रिश्ता मजबूत बताया जाता है। जो विपक्ष के लोग होते हैं वो लगभग हर चुनाव में ये बताते हैं कि चुनाव आयोग एक तरफा वो कर रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस बार क्या क्या किस्से आते हैं सामने और क्या करता है विपक्ष और पक्ष। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभाषु जुड़े थे। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जनपद में लगातार बढ़ रहा है कोरोना ग्राफ। आज जनपद में कोरोना के 30 नए केस मिले, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 105। शहर के 3 डॉक्टर भी आए कोरोना पॉजिटिव, कोविड गाइडलाइंस की खुलेआम उड़ रही धज्जियां। बड़ी खबर सामने आ रही है अयोध्या से, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जनपद में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। बड़ी खबर सामने आ रही है अयोध्या से, आज जनपद में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 105 हो गई है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, शहर के 3 डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित मिले हैं, कोविड गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और आज जनपद में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 105 हो गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है, शहर के 3 डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, जनपद में लगातार कोरोना के ग्राफ बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। अयोध्या से एक खबर सामने आ रही है, जो जनपद में 30 नए कोरोना मरीज मिले हैं और अब एक्टिव केसों की संख्या 105 हो गई है। शहर के 3 डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कोविड गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है अयोध्या से, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जनपद में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। आज जनपद में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 105 हो गई है। शहर के 3 डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कोविड गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, राजधानी में 24 घंटे में फिर कोरोना विस्फोट।
24 घंटे में कोरोना के 867 नए मामले आए सामने। गौतम बुद्ध नगर में 1141 मामले आए सामने। गाजियाबाद में 683 नए मामले आए सामने। यूपी में सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 18,551। राजधानी में सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 2,573। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। तो बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से ही। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जब प्रदेश में कोविड के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 867 नए मामले सामने आ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में 1141 और 636 मामले मेरठ से सामने आए। गाजियाबाद से 683 मामले सामने आए। यूपी में सक्रिय मरीजों की संख्या 18,551 हो गई है। राजधानी में सक्रिय मरीजों की संख्या 2,573 पहुंच गई है और कोविड की वजह से 6 लोगों की मौत भी हो गई है 24 घंटे में। तो बड़ी खबर सामने आ रही है जब कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई है 24 घंटे में। कोरोना विस्फोट हुआ है राजधानी में। और इस खबर में मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जो प्रदेश से आंकड़े सामने आ रहे काफी डराने वाले हैं, 18,000 से ज्यादा मामले एक्टिव है, 18,551 मरीज पूरे यूपी में सक्रिय है, क्या कहेंगे? जी आपको बता दें कि शिखा, विगत हफ्ते दिनों में जिस तरह का उत्तर प्रदेश या देश के अंदर में कोरोना के केसों में डबलिंग हुई है, उछाल हुआ है, उससे ये काफी मतलब ये कह सकते हैं कि ये खतरे की घंटी है। और जो चुनाव या फिर अब तक प्रदर्शन या जो भी आयोजन हो रहे थे उसका इसमें बहुत बड़ा रोल है। ये कोरोना का मामला धीरे धीरे फैल बढ़ रहा है और विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर की ये शुरुआत भी हो गई है। क्योंकि अगर बात करें 4 दिन की लखनऊ की बात करें, राजधानी लखनऊ की बात करें, कुछ आज से 4 दिन पहले 400 केस आते हैं, 3 दिन पहले 500 केस आते हैं, ऐसे ही वो बढ़ते बढ़ते आज वो 876 केस आज कल के आए हैं। तो ये काफी चिंताजनक है कि ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहीं अगर बात करें संसाधनों की, तो जो डॉक्टर है, जैसे आपके SGPGI लोकबंधु और आपके बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ के, वहाँ डॉक्टर फार्मासिस्ट स्टाफ पॉजिटिव हो रहा है, तो इससे काफी ये सोचने वाली बात है कि जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, जिनका जिनको पूरी तरह से सुरक्षित रहना है इस महामारी में, कि वो और भी जो लोग हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, जो संक्रमित हो रहे हैं, उनका इलाज करे, उनकी ही इस बार सबसे पहले अगर देखा जाए तो वही पॉजिटिव हो रहा है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि स्वास्थ्य विभाग इन सब बढ़ते मामलों को लेकर कितना तैयार है और वही हॉस्पिटलों के कितने चेंजेस लाया है, क्या क्या संसाधनों को बढ़ाया है एक सालों में, क्योंकि दूसरे वेव में आपने सब कुछ देखा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में 1141 नए मामले सामने आए। गाजियाबाद में 683 नए मामले सामने आए। पूरे यूपी में कोरोना विस्फोट हो रहा है। 18,551 सक्रिय मरीजों की संख्या हो गई है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना के चलते ऑनलाइन क्लासेस के निर्देश। विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में चलेगी ऑनलाइन क्लासेस, 10 से 16 जनवरी तक ऑनलाइन क्लासेस के निर्देश। पूर्व से चल रही कक्षाएं निर्धारित क्रम में चालू रहेंगी, सचिव उच्च शिक्षा ने जारी किया निर्देश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना के चलते ऑनलाइन क्लासेस के निर्देश। विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में चलेगी ऑनलाइन क्लासेस, 10 से 16 जनवरी तक ऑनलाइन क्लासेस के निर्देश। पूर्व से चल रही परीक्षाएं निर्धारित क्रम से ही चलेंगी, सचिव उच्च शिक्षा ने जारी किया निर्देश। इस खबर पर भी हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़े हैं। विभांशु, जिस तरह से एक बार हम फिर ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के निर्देश दे दिए गए हैं, महाविद्यालय विश्वविद्यालयों को ये आदेश जारी कर दिया है कि ऑनलाइन क्लासेस ही कराई जाए, तो क्या कहेंगे, ये कितना सही है? और जो बीच में निर्धारित क्लासेस चल रही थी वर्चुअल माध्यम से पहले चल रही थी, फिर जिस तरह से बदलाव हुआ, अब एक बार फिर हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आ गए हैं, तो क्या डिजिटल होना ही ज्यादा सही है? जी शिखा, अगर बात करें डिजिटल पढ़ाई की, डिजिटल माध्यम से जो पढ़ाई होती है, तो वो स्कूलों की अगर बात करें तो वहां तक कुछ कारगर साबित हो पा रहा है। वही अब कल का फैसला आया है कि जो
महाविद्यालय है या विश्वविद्यालय है उनकी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन होगी। और इस बार अलग की गई है जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को हर बार खटा दिया जा रहा था, मगर इस बार तीनों जो अगर ग्रेजुएशन के 3 साल या मास्टर्स के 2 साल है तो सबकी ऑनलाइन क्लासे चलेंगी। और जो भी परीक्षाएं पहले से डिसाइडेड है कि इस डेट से होगी उनको भी कैंसिल नहीं किया गया है। ऑनलाइन क्लास की अगर बात करें तो अगर जो देखा जाए तो ये शहरी क्षेत्रों के लिए ठीक है, मगर अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में आएंगे और खासकर लड़कियों की बात करें, गांव की लड़कियों की बात करें, तो उनके पास अभी मोबाइल फोन नहीं है, संसाधन नहीं है और इसमें सबसे ज्यादा इंटरनेट की कमी पड़ती है क्योंकि गांव में इंटरनेट की सुविधा अभी इतनी बेहतर नहीं है, वाईफाई नहीं है। और अगर बात की जाए अगर है वहाँ सुविधा तो या इंटरनेट जो कि एक आम परिवार के लिए अगर प्रतिदिन 2-4 GB जो पढ़ाई में खर्च आ रहा है इसमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो सरकार को जो जैसे सभी सरकारें पूर्व सरकारों ने लैपटॉप बांटा, तत्कालीन सरकारों ने टैब और मोबाइल बांटा, तो जो विद्यालय में पढ़ने वाले जो छोटे विद्यालय है सरकारी विद्यालय है उन विद्यालयों में जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं उनके लिए कुछ इंटरनेट की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो कोरोना के चलते ऑनलाइन क्लासेस के निर्देश दे दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इंटरनेट की व्यवस्था की जाने की जरूरत है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के पास या तो मोबाइल लैपटॉप या फिर टैबलेट की कमी है या फिर जिनके पास सरकार द्वारा इन चीजों का वितरण कर दिया गया है तो उनके पास इंटरनेट की परेशानी है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सिविल हॉस्पिटल को मिले नए CMS। आरपी सिंह बने हॉस्पिटल के नए CMS, बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सिविल हॉस्पिटल को मिल गए नए CMS। आरपी सिंह बने हॉस्पिटल के नए CMS, बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां हॉस्पिटल को नए CMS मिले हैं। सिविल हॉस्पिटल में नए CMS की नियुक्ति की गई है, आरपी सिंह बने हैं हॉस्पिटल के नए CMS। बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कोविड काल है और ऐसे में सिविल अस्पताल को नया नियुक्ति की गई है नए CMS की और आरपी सिंह को हॉस्पिटल का कार्यभार सौंप दिया गया है। इस खबर पे भी हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े हैं। विभांशु, कार्यभार मिल गया है, नए CMS मिले हैं सिविल हॉस्पिटल को, तो कितना बदलाव आएगा, कोरोना काल में ये कितना जरूरी था? कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर जो स्वास्थ्य विभाग है, जो यहाँ की ये खास बात की जाए तो राजधानी लखनऊ है, यहाँ CMO के जिस नीचे आते हैं CMS, इनको यहाँ सिविल अस्पताल के बदल कर, जो कि हजरतगंज में सिविल अस्पताल होता है, जहाँ भी कोई भी छोटा सा एक्सीडेंट हो या कोई भी हादसा हो तो वहीं भेजा जाता है पेशेंट को, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो CMS थे उनको बदल कर जो नए CMS है आरपी सिंह उनको लाया गया है। आपको बता दें कि ये पिछली मतलब इनकी ये डॉक्टर होते हैं जो पदोन्नति पाते पाते इनको मॉनिटरिंग में ड्यूटी लगा दी जाती है, और जो आरपी सिंह है वो पहले सिविल में ही डॉक्टर थे, अब उनको पदोन्नति देकर CMS बनाया गया है। और इससे जो कोरोना के बढ़ते लखनऊ में मामले हैं और क्षेत्रों में उनके रोकथाम के लिए इन्हें लगाया गया है और इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। के लिए तो लखनऊ से ये खबर सामने आ रही है, सिविल हॉस्पिटल को नए CMS मिल गए हैं, सिविल हॉस्पिटल को नए CMS मिले हैं और कार्यभार संभाला है आरपी सिंह ने। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य अधिकारियों के तबादले, बड़ी खबर सामने आ रही है। आरपी सिंह सिविल अस्पताल के बने नए CMS, CMS समेत 53 स्वास्थ्य अफसरों के तबादले, बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में हुए तबादले, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य अधिकारियों के तबादले, आरपी सिंह सिविल अस्पताल के बने नए CMS, CMS समेत 53 स्वास्थ्य अफसरों के तबादले, बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में तबादले हुए, सूत्रों
सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, मैनपुरी सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। पिता मुलायम सिंह के संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, मैनपुरी सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। पिता मुलायम सिंह के संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। में राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज, बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव के नतीजे वाले दिन के लिए सभी दल तैयार, सभी दलों ने ठोका सरकार बनाने का दावा। चारों पार्टियों ने सरकार बनाने का किया दावा। भाजपा सपा कांग्रेस बसपा ने पेश किया दावा, बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ में राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज, चुनाव के नतीजे वाले दिन के लिए सभी दल तैयार, सभी दलों ने ठोका सरकार बनने का दावा। चारों पार्टियों ने सरकार बनाने का किया दावा। फिरोजाबाद में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, बड़ी खबर सामने आ रही है। फिरोजाबाद से जिले में निकले सर्वाधिक 17 कोरोना केस, सीएमओ ने जारी किया प्रेस नोट, बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्टिव केसों की संख्या हुई 50। फिरोजाबाद में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में निकले सर्वाधिक 17 कोरोना केस, सीएमओ ने जारी किया प्रेस नोट, बड़ी खबर सामने आ रही है। जब 17 नए कोरोना मरीज मिलने के बाद एक्टिव केसों की संख्या 50 हुई। फिरोजाबाद में कोरोना का कहर जारी, लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। जिले में 17 मामले आए सामने। यूपी भाजपा की चुनावी पोस्टर जारी, मोदी योगी के चेहरे पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन, चुनावी पोस्टर में लिखी है ये टैगलाइन। यूपी भाजपा का चुनावी पोस्टर जारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी योगी के चेहरे पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन, चुनावी पोस्टर में लिखी है ये टैगलाइन। यूपी भाजपा का चुनावी पोस्टर जारी हो गया है, बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी योगी के चेहरे पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन, टैगलाइन छपी है पोस्टर पर, बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां एक बार फिर योगी और मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। यूपी में मोदी योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा 2022 का, और नया पोस्टर और टैगलाइन भी सामने आ चुकी है। मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन की टैगलाइन के साथ तैयार हुआ है ये नया पोस्टर। इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़े हुए हैं। विभांशु, नया पोस्टर जारी हो गया है और नया टैगलाइन, ये बता रहा है कि योगी और मोदी के ही चेहरे पे चुनाव लड़ेगी भाजपा, क्या कहेंगे इस पे? जी, जो अगला पिछला चुनाव था वो साफ तौर पे बिना चेहरे के बीजेपी लड़ी थी, मगर इस पोस्टर से हम कह सकते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री हैं, जो अब फिर से मतलब अपनी किस्मत आजमाएंगे, इनके ही दम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। क्योंकि तमाम अटकलें लगाए जा रहे थे कि अब अनेकों नामों को चर्चा में रखा गया था कि इस बार योगी आदित्यनाथ को हटाकर इन्हें मुख्यमंत्री बनाया सकता है। वहीं गुजरात के आईएएस के एके शर्मा, उनको भी मुख्यमंत्री बनाने के कयास लगाए जा रहे थे। वही इस पोस्टर से अब उन कयासों पे विराम भी कह सकते हैं कि लग गया, क्योंकि अब पोस्टर में सीधे योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को रखकर चुनाव लड़ा जा रहा है। विभांशु, के दोनों की लोकप्रियता को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है? जी हाँ, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री से भी लोग अच्छे खासे प्रभावित हैं। तो और योगी आदित्यनाथ के जो बुलडोजर वाले कांड हैं और ऐसे ऐसे जो कार्रवाइयां की गई हैं, जिसके वजह से काफी पूर्वांचल के क्षेत्रों में उनका जनाधार है, इन सब चीजों को देखते हुए इस बार ये पोस्टर को लॉन्च किया गया है। वहीं अभी मज कुछ दिन पहले एक और पोस्टर लॉन्च किया गया था, जिसमें यूपी को उपयोगी बताया गया था। तो उप का मतलब उत्तर प्रदेश और योगी
का मतलब योगी आदित्यनाथ, जिसको सपा ने फिर उस पे ट्विटर पे रीट्वीट करते हुए उस पोस्ट को और अनुपयोगी बताया था, अनुपयोगी करार दिया था, जिसके बाद जो उनकी एडवर्टाइजमेंट टीम है उनको लगा होगा कि इस तरह के जो कोर्ट से इनको बदल कर कुछ ऐसा लाया जाए जिससे हम लोगों के दिलों में जगह बना सके कुछ शब्दों के माध्यम से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीनियर आईपीएस असीम अरुण ने लिया बीआरएस, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए आईपीएस, कन्नौज सदर से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीनियर आईपीएस असीम अरुण ने लिया बीआरएस, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए आईपीएस, कन्नौज सदर से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीनियर आईपीएस असीम अरुण ने लिया बीआरएस। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े हुए हैं। विभांशु, भारतीय जनता पार्टी में आईपीएस जुड़ गए हैं, क्या कहेंगे इस पे? जी आपको बता दें कि जो आईपीएस असीम अरुण है ये 1994 बैच के आईएएस हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में कल ज्वाइन होते हैं, आचार संहिता लगने के ठीक पहले ये ज्वाइन होते हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जो डिंपल यादव का पूर्व संसदीय क्षेत्र है मैनपुरी, वहां से इनको मैदान में उतारा जा सकता है। अगर मैनपुरी सैफई इटावा की बात करें तो ये समाजवादी कुनबे की सीट है और इस खास तौर पे ऐसे आईपीएसओ को उतारकर जो प्रदेश भर में चर्चित हैं और जिनके कामों के वजह से वो अधिकारियों में नेताओं के करीब रहे हैं, तो खास तौर पे बीजेपी एक दाव खेलना चाहती है कि एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को वहां से उतार कर मैनपुरी सदर से और अपनी उस सीट को अपने झोले में लेना चाहती है। अब देखना ये होता है कि असीम अरुण को क्या वाकई में मैनपुरी सदर से टिकट मिलता है और क्या वो जीत पाते हैं। जी विभांशु, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर इनकी इतनी लोकप्रियता किस काम की वजह से, कौन सा इन्होंने, ऐसे तो बहुत से बड़े बड़े काम किए लेकिन कोई एक ऐसा काम जानना चाहेंगे जिसकी वजह से लोगों के दिलों में इनके लिए खास जगह है। जी आपको बता दे सिखा कि जो असीम अरुण है ये 1994 बैठ के आईएएस है, तो इस दौरान वो उन्हें उनकी जो नियुक्ति थी वो अनेक नेताओं के साथ लगी, एज ए सचिव ये भी काम किए हैं, अब भाजपा के नेताओं के काफी करीबी माने जाते हैं, तो जरूरी नहीं होता है कि उनको आईएएस के उनके कामों से साथ ही साथ ताल्लुकात जो अपने बन जाते हैं उस आधार पे भी टिकट दिया जाता है और इनका जो गृह जनपद है वो उसी क्षेत्र में है, तो इन सब चीजों को लेकर और रखकर वहां पे उस विधानसभा क्षेत्र में और बीजेपी ने एक ऐसा खाका तैयार किया है कि हम उस क्षेत्र के लोगों को, अगर ऐसे पढ़े लिखे क्षेत्र के लोगों को लेते हैं तो वो सीट खाते में आ सकती है और इनके इनका जो वीआरएस लेने का वजह ही बताया जा रहा है, वो चुनाव ही लड़ना बताया जा रहा है, क्योंकि इनकी नौकरी में अभी काफी समय बचे थे, लगभग इनकी उम्र 52 साल है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, आईजी रेंज वाराणसी राम कुमार पहुंचे चंदौली, विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस लाइन में हुई बैठक, पुलिस कर्मियों के साथ बैठक कर दिया दिशा निर्देश, मादक पदार्थ पर अंकुश लगाने का दिया आदेश, बड़ी खबर सामने आ रही है चंदौली से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बैठक की गई है, आईजी रेंज वाराणसी राम कुमार पहुंचे चंदौली, विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस लाइन में की बैठक, पुलिस कर्मियों के साथ बैठक कर दिए दिशा निर्देश, मादक पदार्थ पर अंकुश लगाने का दिया आदेश, बड़ी खबर सामने आ रही है।
चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईजी रेंज वाराणसी राम कुमार पहुंचे चंदौली। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस लाइन में की बैठक। पुलिस कर्मियों के साथ बैठक कर दिए दिशा निर्देश। उन्नाव में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन। पुलिस प्रशासन सख्ती से पालन कराने में निकले। प्रमुख चौराहे पर अफसरों ने होल्डिंग उतरवाई। बड़ी खबर सामने आ रही है, नेताओं की कार में लगे हूटर भी उतरे। अनाउंसमेंट कर पुलिस ने शहर में की अपील। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। उन्नाव में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन। पुलिस प्रशासन सख्ती से पालन कराने को निकली। प्रमुख चौराहे पर अफसरों ने होल्डिंग उतरवाई। नेताओं की कार में लगे हूटर भी उतारे। अनाउंसमेंट कर पुलिस ने शहर में की अपील। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, करंट लगने से बच्ची की मौत। खेत में बकरी चराने गई थी बच्ची, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां करंट लगने से बच्ची की मौत हो गई और बच्ची के मौत से इलाके में हड़कंप। खेत में बकरी चराने गई थी बच्ची, बड़ी खबर सामने आ रही है, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, करंट लगने से बच्ची की मौत। खेत में बकरी चराने गई थी बच्ची, देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।